हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑटोकैड का एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा जिसमें हम यूनियन कमांड का यूज़ करेंगे। चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ऑटोकैड को ऑन कीजिए, फिर स्टार ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके एक न्यू पेज लीजिए। यहाँ पे व्यू पे टिक करके आपको टॉप व्यू लेना है। इस व्यू के ऊपर हम अपनी ड्राइंग तैयार करेंगे। सबसे पहले 30 रेडियस का एक सर्कल लगाना है। और उसी के सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको एक 60 रेडियस का सर्कल भी लगाना है। अब यहां पे ये सर्कल काट रहे हैं, वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन देना है। कंस्ट्रक्शन लाइन टूल के ऊपर टिक करके सबसे पहले एच प्रेस करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। एक यहां पे लगानी है, एक यहां, यहां पे और एक यहां पे। ऐसे ही आपको एक वर्टिकल लाइन भी लगानी है, वो लगानी है सर्कल के सेंटर के ऊपर। अब यहां से डिस्टेंस दिया है 150 का, तो मैं इसका एक ऑफसेट लगाऊंगा 150 यहां से यहां तक। और आगे को इसकी टोटल डिस्टेंस दी है 250 250, तो मैं ऑफसेट के ऊपर टिक करके 250 यहां से लेके यहां तक। अब इसको ट्रिम करेंगे। ये हमारा आगे वाला पोर्शन हो गया, और ऐसे पीछे वाला पोर्शन भी ट्रिम करके बनाएंगे। इस पीस को आप डिलीट कर दो। यहां पे भी फिलेट की वैल्यू दी हुई है, 50 रेडियस का फिलेट लगेगा यहां पे, तो यहां पे टिक करके फिलेट कमांड के ऊपर आर प्रेस करके पहले रेडियस, फिर लिखेंगे 50, इसको और इसको फिलेट करेंगे ऐसे नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। और कंस्ट्रक्शन लाइन को आप डिलीट कर देंगे। ये हमारा वन पीस तैयार हो गया। इसको आप वन पीस में कन्वर्ट कर लो। यहां पे टिक करके रीजन टूल के ऊपर टिक करना है। और सारे को सेलेक्ट करके एंटर करना है, तो ये आपका वन पीस बन जाएगा। ऐसे ही हमने टॉप पे ऊपर ये ड्राइंग बना ली है, तो लेफ्ट साइड में उसका दूसरा पीस तैयार करेंगे। उसके लिए भी आपको एक 25 रेडियस का सर्कल लगाना है और एक 50 रेडियस का सर्कल लगाना है। तो यहां पे सर्कल के ऊपर टिक किया, पहले 50 रेडियस का लगा लो। फिर उसी के सेंटर के ऊपर 25 रेडियस का। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि ड्राइंग के ऊपर ना आए।
अब इसके सेंटर के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाएंगे एच प्रेस करके, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, और दोनों तरफ 30-30 के ऑफसेट लगाएंगे, 30 उधर 30 इधर। टोटल डिस्टेंस इसका है सेंटर से 200 का। तो पहले आप सेंटर के ऊपर एक लाइन लगा लो, अब ऑफसेट टूल के ऊपर टिक करके 200 का एक ऑफसेट लगा लो, यहां पे टिक करके यहां पे, और इसको पहले ट्रिम कर लो। देखिए ये ट्रिम नहीं हो रहा, पहले इसको एक्सप्लोड करेंगे। ये रहा एक्सप्लोड टूल, सारी ड्राइंग को सेलेक्ट करके एंटर किया, फिर ट्रिम टूल चलाना है आपको। जो फालतू लाइन है आप उसको इरेज कर दो। और इस कॉर्नर को आपको फिलेट करना है 50 रेडियस में, तो फिलेट कमांड के ऊपर टिक किया, आर प्रेस करके रेडियस 50, अब इसको भी आपको वन पीस में रखना है। तो उसके लिए आपको रीजन कमांड यूज करना है, तो ये भी वन पीस हो गया। अब आप इसको आइसोमेट्रिक करके देखो, आपकी दो ड्राइंग बन गई। अब हमारे पीस एक दूसरी तरफ बन गया, एक दूसरी तरफ, तो टॉप व्यू में इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। जैसे ये टॉप व्यू लिया, अब इस ड्राइंग को थोड़ा सा 90 डिग्री घुमाना, तो रोटेट कमांड लेके यहां पे टिक करके आप इसको 90 डिग्री पे घुमा दो, फिर आइसोमेट्रिक करके देखना है। तो ये आपके दो पीस बन गए। अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस पीस को करते हैं, इसको एक्सट्रूड करना है 120, तो एक्सट्रूड टूल लिया सेलेक्ट करके एंटर, इसको 120 एक्सट्रूड कर देना है। 120 एक्सट्रूड करने के बाद इसको यहां पे सॉलिड कर लो, कॉन्सेप्चुअल यहां से ग्रिड आप ऑफ कर सकते हो। सबट्रैक्ट कमांड यूज करके सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया, और इस पीस को सबट्रैक्ट कर देना है। ऐसे ही इसको भी हाइट देनी है, इसको हमने हाइट देनी है 100 हाइट देना है। तो एक्सट्रूड कमांड के ऊपर टिक करके सेलेक्ट किया एंटर, इसको मैं 100 हाइट दूंगा। अब इन दोनों पीस को आपको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि इनको ट्रिम किया जा सके।
अब मैं यहां पे एक क्रॉस लाइन लगाऊंगा, ऐसी एक क्रॉस लाइन यहां पे भी लगाऊंगा। अब मूव कमांड लेके सारा पीस सेलेक्ट करूंगा, और लाइन के मिड पॉइंट से उठा के यहां पे लाइन के मिड पॉइंट पे ऊपर रखना है। तो आप देखेंगे कि पीस एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो गए हैं। मैं इसको घुमा के दिखाता हूं, देखिए। ये दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से एडजस्ट हो गए। अब चाहो तो आप लाइन डिलीट कर दो, उसको बाद में कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ये कमांड यूज करेंगे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के ऊपर टिक करके आपको दोनों पीस सेलेक्ट करके एक बार एंटर करना है, तो आपको जो पीस चाहिए आपको वो आउटपुट में मिल जाएगा। बाद में ये दोनों लाइन इरेज कर दो। अब इसका पीछे वाला हिस्सा तैयार करना है, उसकी लेंथ दी हुई है 60, हमें उसको 60 तक काटना है। और दोनों तरफ से दिया है 17.50, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। राइट व्यू लेके यहां पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल के लिए भी चलो हम कंस्ट्रक्शन लाइन ही यूज कर लेते हैं। एक एच प्रेस करके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, एक वी प्रेस करके वर्टिकल लाइन लगाओ, अब ओ प्रेस करके ऑफसेट कितना देना है, 17.5। तो यहां से ऊपर और इस तरफ ये अपनी ट्रायंगल बन जाएगी। इसको आप ट्रिम कर लो। हमें सिर्फ इसका आधा हिस्सा ही चाहिए, हमें सिर्फ ट्रायंगल चाहिए। अब इस ट्रायंगल को आप जोड़ लो, उसके लिए आपको रीजन कमांड यूज करना पड़ेगा। फिर इसको आपको आइसोमेट्रिक करना है और इस ट्रायंगल की हाइट देना है 60। इसको आप एक्सट्रूड कमांड से एक्सट्रूड कर लो, 60 हाइट देना है। ऐसे हमको चार पीस चाहिए। इसे यहां से मूव कमांड के साथ मूव करके आपको इस यहां पे कॉर्नर पे बिठाना है। अब हमें इसके चार पीस चाहिए, तो आप इसका राइट साइड व्यू ले लो, इसको आप वायर फ्रेम कर लो। चाहो तो हम यहां पे एरे कमांड के साथ भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें इसका एक सेंटर पॉइंट चाहिए रेक्टेंगल का। तो पहले इसका सेंटर पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट लेने के लिए आपको इसको यहां पे लेके यहां तक एक लाइन ड्रा करनी है। ऐसे ही दूसरे कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी एक लाइन ड्रा करनी है।
अब आप एरे कमांड उठाओ, पोलर एरे, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, सेंटर पॉइंट आपको ये देना है और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम आपको 4 भरना है। तो चारों नुक्कड़ के ऊपर ऑटोमेटिक उसका एरे लग गया। अब सबट्रैक्ट कमांड यूज करना है। सबट्रैक्ट कमांड लिया, पहले बाहर वाला पीस सेलेक्ट किया, फिर एंटर, फिर जिस जिस को लेस करना है उसको सेलेक्ट करते रहो। अब सबट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे, पहले बाहर वाला पीस सेलेक्ट करके एंटर करना है, फिर जिस जिस आइटम को आपको सबट्रैक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है। और एक बार एंटर करना है तो वो सारे के सारे पीस कट जाएंगे। और कॉर्नर को आपको फिलेट कमांड के साथ 17.5 की फिलेट दे देना है। तो यहाँ पे आपको फिलेट दे देना है थोड़ा सा। तो फिलेट कमांड के ऊपर टिक किया, आर प्रेस करके रेडियस दिया, आप यहाँ पे 10 रेडियस का फिलेट दे दो। ऐसे चारों कॉर्नर के ऊपर आपको फिलेट कमांड के साथ यहाँ पे 10 रेडियस का फिलेट दे देना है। तो ये हमारी ड्राइंग तैयार है दोस्तों। ये जो फालतू लाइंस हैं उसे हम इरेज कर देंगे। अब इसके पीछे एक सर्कल ड्रा करना है, तो पहले लाइन डिलीट ना करो, यहाँ पे इसको घुमा के यहाँ पे सर्कल बना लो। पच्चीस रेडियस का बस एक सर्कल ड्रा करो यहाँ पे। अब उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो। अब लाइन आप डिलीट कर सकते हो। अब इसको सारे को यूनियन करके पहले जोड़ लो। उसके बाद आपको यहां पे भी थोड़ा सा फिलेट देना है। ऐसे। तो दोस्तों हमारी ड्राइंग तैयार है। हर बार की तरह पे हम इसको भी इसका कलर देंगे। इसकी प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे कलर कमांड के ऊपर टिक करके इसको आप कोई भी कलर दे दो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।